दोस्तों मीनाक्षी शेषाद्री 90 के दशक की सुपरहिट एक्ट्रेस में से एक थी। अपनी अदाकारी और खूबसूरती के चलते बॉलीवुड में इन्होंने खूब नाम कमाया। भरतनाट्यम कथक समेत चार तरह के नृत्य कला में माहिर थी मीनाक्षी। 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता। इसके बाद बॉलीवुड में कदम रखा। मीनाक्षी ने बॉलीवुड में फिल्म पेंटर बाबू से डेब्यू किया था। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। बाद इन्होंने हीरो फिल्म में काम किया जैकी सराफ के साथ। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद कई सुपरहिट फिल्में की जैसे दामिनी, घातक, जुर्म, शहंशाह, घायल, ऐसी ही कई फिल्में शामिल हैं। दामिनी, हीरो और घातक जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री आखिरी बार 1996 में घातक में दिखी थी। इन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है और अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। कहा जाता है कि बॉलीवुड छोड़ने की वजह फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी का लव प्रपोजल था जिसको मीनाक्षी ने ठुकरा दिया था। इसके बाद ही इन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। आज मीनाक्षी 60 साल की हो चुकी है। इन्होंने बैंकर हरीश मैसूर से शादी की और विदेश में सेटल हो गई। आज इनके दो बच्चे भी हैं। और वैसे आपको ये एक्ट्रेस पसंद है या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।